और आज हमारे सामने है होंडा लीवो 110 2023 मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक के ऊपर E20 का स्टिकर लगा है और माइलेज सस्ते के लिए मैंने एवरेज सस्टिंग बॉटल में 250 ml पेट्रोल लिया है। और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है या नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने होंडा लीवो 110 2023 मॉडल। और आप जो ये कलर देख रहे हैं ये है इसका मैट क्रस्ट मेटालिक कलर जो आपको मैट फिनिश में मिलता है और इसमें कहीं भी कोई भी ग्राफिक नहीं लगा हुआ है। तो आपको ये कलर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो के थंबनेल देख के जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज हम लोग चलने वाले इस बाइक को लेके हाईवे में 65-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में सिंगल राइड में माइलेज टेस्ट के लिए। और आपके लिए मैं इस बाइक को लेके आया हूँ उत्कल होंडा से। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आइए सबसे पहले इस बाइक के माइलेज टेस्ट पर चलते हैं और उसके बाद मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो फाइनली दोस्तों इस बाइक के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता है वो खत्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बाइक साइलेंट स्टार्ट है। एक बार और ट्राई करता हूँ। तो आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आइए इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालते हैं। आप सभी ने देखा दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका है। और आज हमारे सामने है होंडा लीवो 110 2023 मॉडल। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूल टैंक के ऊपर E20 का स्टिकर लगा है और माइलेज टेस्ट के लिए मैंने एवरेज सस्टिंग बॉटल में 250 ml पेट्रोल लिया है। और पेट्रोल डालने से पहले आपको दिखा रहा हूँ बाइक स्टार्ट हो रहा है या नहीं। एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाइक बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अभी इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है जीरो क्योंकि मैं इसके स्पीडोमीटर का वायर ओपन करके लेके निकला हूँ शोरूम से। और इसके ट्रिप में भी रीडिंग है 0.0। तो आइए इसके फ्यूल टैंक में पेट्रोल डाल देते हैं। तो आपने देखा दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुका है। और दूसरी बोतल में मैंने हाफ लीटर पेट्रोल रखा है, इसे आप देख लीजिए। माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बोतल फिर से दिखाऊंगा। और आइए आज हम चलेंगे होंडा लीवो 110 2023 मॉडल को लेके हाईवे में और स्पीड रखेंगे 65 से 70 किलोमीटर पर आवर और देखेंगे इस स्पीड में हमें कितना माइलेज मिलता है। Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Speaking, what am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should have known. Oh
फाइनली दोस्तों हमने जो इसमें 250 पेट्रोल जो डाला था वो ख़त्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें दो बार सेल्फ ले रहा हूँ, एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अभी आप दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं इसके ऑडोमीटर में रीडिंग है 12, जब हम निकले थे रीडिंग था 0 और इसके ट्रिप में रीडिंग है 12.4, मतलब कि तो ये रहा दोस्तों वो हाफ लीटर पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। और आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। तो आइए मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। तो आज के मालेस्टर्स में दोस्तों आप सभी ने देखा कि लीवो 110 2023 मॉडल में हमें 65 से 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में सिंगल राइड में, मेरा वेट है 70 kg, ये बाइक 250 पेट्रोल में 12.4 किलोमीटर चला। तो अगर मैं इसे इनटू 4 करता हूं तो आज हमें इस बाइक में 1 लीटर में माइलेज मिला है 49.6 kmpl का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है। और आपने देखा कि मैंने माइलेज टेस्ट 250 पेट्रोल में किया था, तो अगर मैं आज इसका माइलेज टेस्ट 1 लीटर में करता तो आज ही मुझे इस बाइक में बहुत ही आराम से 52 प्लस का माइलेज देखने को मिलता। तो आप सबसे मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं तो इसी स्पीड में इस बाइक के सेकेंड थर्ड सर्विस के बाद आपको बहुत ही आराम से सिंगल राइड में 55 प्लस का माइलेज देखने को भी मिलेगा। और आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो आपको बता दूं कि इससे पहले मैं इस बाइक का एक सिंगल राइड में सिटी माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ इको स्पीड में, और उसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा माइलेज मिला था। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंड स्क्रीन में मिल जाएगा। और कल मैंने इस बाइक को सिटी में राइड किया था और आज मैंने इसे हाईवे में राइड किया है। तो आइए आपके साथ मैं अपना एक छोटा सा राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छा सीटिंग पोस्चर मिल जाता है। और आज मैंने हाईवे में इस बाइक को 65-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में राइड किया और मैंने देखा कि इस बाइक में आपको 65-70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में बिल्कुल भी हैंडल बार में वाइब्रेशन महसूस नहीं होता है। और बाइक को राइड करते समय मुझे इस बाइक का सीट बहुत ही कंफर्टेबल महसूस हुआ। और आपको बताना चाहूँगा कि बाइक का सीट हाइट 790 mm रखा गया है, तो अगर आपका हाइट 5 फीट भी होगा तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और बाइक के इंजन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बाइक में आपको 110 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जिससे आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा पिकअप मिल जाता है। साथ ही बाइक को राइड करते समय मुझे इस बाइक का सस्पेंशन काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा था। कल मैंने इसे सिटी में राइड किया और आज मैंने इसे हाईवे में राइड किया है, तो मुझे सस्पेंशन काफ़ी बेहतर ही लगा है। सिर्फ इसका रियर सस्पेंशन जो है आपको थोड़ा सा हार्ड फील होगा, और मेरा मानना है कि जब आप इस बाइक को डबल राइड में राइड करेंगे तो आपको इसका रियर का सस्पेंशन भी काफ़ी बेहतर महसूस होगा। और साथ ही रियर सस्पेंशन में आपको 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, जिसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और ब्रेक की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके फ्रंट में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। साथ ही इसमें CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, जिससे बाइक में ब्रेक लगाते समय आपको इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी बेहतर ही महसूस होगा। तो आप सबसे मैं दोस्तों बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने फैमिली के यूज़ के लिए या फिर अपने सिंगल यूज़ के लिए एक 100 या 110 cc बाइक लेना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बोलूँगा कि आप लीवो 110 2023 मॉडल का एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। क्योंकि इस बाइक में दोस्तों आपको जो 110 cc का इंजन मिलता है इसमें आपको काफ़ी अच्छा पिकअप मिल जाता है। और इको स्पीड में मुझे इस बाइक में बहुत ही अच्छा माइलेज मिला था, आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इंड स्क्रीन में मिल जाएगा, जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा माइलेज मिला था। साथ ही बाइक में आपको डिजिटल एनालॉग कंसोल मिल जाता है, काफ़ी मस्कुलर सा 9 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक मिलता है, और आपकी सेफ्टी के लिए बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप स्विच मिल जाता है। बाइक में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, तो आप किसी ऐसे जगह रहते हैं जहाँ सड़कें खराब होती है तो वहाँ पे भी आप इस बाइक को बहुत ही आराम से राइड कर पाएंगे। और बाइक में एक प्रीमियम लुक मिले इसके लिए इस बाइक के एग्जॉस्ट के ऊपर मेटल का क्रोम फिनिश में मफलर कवर भी आपको लगा हुआ मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 110 cc में ये बाइक देखने में काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ आता है। तो आप अगर कोई एक बाइक लेना चाह रहे हैं तो इस बाइक का भी एक बार टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, अगर आप 100 या 110 cc में कोई एक बाइक लेना चाहते हैं। तो आपसे एक बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से और इस बाइक का टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो आप उत्कल होंडा में आ सकते हैं। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा, ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। और इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, प्लीज़ उसे देख लें। और बाइक के बारे में आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हैं।